दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 12 अप्रैल को प्रस्तावित 39वें दीक्षांत समारोह से पूर्व शनिवार को फुल रिहर्सल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्वत पद यात्रा के साथ हुई। तत्पश्चात अतिथियों ने मंच पर आसन ग्रहण किया। रिहर्सल के दौरान मुख्य अतिथि की भूमिका प्रोफेसर विनय पांडे और कुलाधिपति की भूमिका प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने निभाई। कार्यक्रम में मुख्य समारोह के दौरान अतिथियों के स्वागत से लेकर पदक वितरण और संबोधन समेत विभिन्न गतिविधियों का पूर्वाभ्यास किया गया। कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि कोविड महामारी की वजह से दीक्षांत समारोह के स्वरूप को छोटा किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में अमेरिका के माउंट गोमरी कॉलेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एकेडमिक अफेयर्स डॉक्टर संजय राय ऑनलाइन आशीर्वचन देंगे। कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल भी ऑनलाइन ही कार्यक्रम में शामिल होंगी। दीक्षांत समारोह में 51 मेधावियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा। कुलपति ने कहा कि समारोह के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइंस का 100% पालन कराया जाएगा। दीक्षांत समारोह के ऑडिटोरियम को सैनिटाइज किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अतिथियों की संख्या को भी सीमित कर दिया गया है। उपाधि धारकों, गोल्ड मेडलिस्ट, विद्यार्थियों के अभिभावकों, एकेडमिक काउंसिल के सदस्यों को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। दीक्षांत सप्ताह समारोह के अंतर्गत आयोजित होने वाले कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक संध्या और मूड कोर्ट के कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया। तो हाल वैसे ही करेंगे। अभी विद्वत पद यात्रा बाहर से आएगी जिसमें आप सभी प्रतिभागी होंगे। छात्रों, छात्राओं,
प्रस्तुत करने का प्रश्न करें। इसी सरकार के स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि प्राप्त करता कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं आपकी समक्ष संलग्न सूची में अंकित कला संकाय के संस्कृत, हिंदी, पत्रकारिता, उर्दू, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति, इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दृश्य कला, मंच कला तथा भूगोल विषय में PhD स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के अभ्यर्थियों को प्रस्तुत कर रही हूँ, जिन्होंने संबंधित परीक्षा के अनंतर अपनी योग्यता प्रमाणित की है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन संबंधित उपाधि के लिए स्वीकार करें। मैं भरतपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में विभिन्न अधिकारियों से मैं कला संकाय के अतिरिक्त विषयों के अभ्यर्थियों और विश्वविद्यालय की संबंधित उपाधि के लिए स्वीकार करता हूँ। श्रीमान, मैं आपके समक्ष संलग्न सूची में अंकित सभी अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूँ, जिन्होंने विहित परीक्षा के अनंतर वाणिज्य संकाय के बारे अर्थशास्त्र तथा व्यवसाय प्रशासन में PhD स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के लिए अपनी योग्यता प्रमाणित की है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें संबंधित उपाधि के लिए स्वीकार करें। श्रीमान, मैं आपके समक्ष संलग्न सूची में अंकित सभी अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूँ, जिन्होंने विहित परीक्षा के अनंतर विहित संकाय में PhD स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के लिए अपनी योग्यता प्रमाणित की है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें संबंधित उपाधि के लिए स्वीकार करें। विद्यालय के कुलपति के रूप में विहित उपाधि से मैं विधि संकाय के विधि विषय के अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के संबंधित उपाधि के लिए स्वीकार करता हूँ और आपको आदेश देता हूँ कि आप आजीवन अपने इस उपाधि के योग प्रमाणित करते रहे। स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि प्राप्त करता अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। श्रीमान, मैं आपसे आपके समक्ष संपर्क सूची अंकित सभी अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूँ, जिन्होंने विहित परीक्षा के अंतर विज्ञान संकाय के प्रति रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, वायु विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, रक्षा एवं स्थानिक अध्ययन, जैव प्रौद्योगिकी, माइक्रोबायोलॉजी, गृह विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कंप्यूटर साइंस विषय में PhD स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के लिए अपनी योग्यता प्रमाणित की है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें संबंधित उपाधि के लिए स्वीकार करें और आपको आदेश देता हूँ कि आप आदमी अपने को इस उपाधि के लिए प्रमाणित करते रहें। ज्ञान के प्रसार और स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, देवों और मित्रों के प्रति कर्तव्यों का पालन करो, आचार्य को देवता के समान समझो, अतिथि को देवता के समान समझो, जो आनंदित कर्म है केवल उन्हीं को करो, जो हमारे अच्छे आचरण हैं वे ही तुम्हारे द्वारा ग्रहणीय हैं, अन्य नहीं। यदि तुम्हें कर्म अथवा आचरण के विषय में संदेह हो तो जो विवेकशील कर्मरत सहृदय और धर्मानुरागी पुरुष हो उनके आचरण को आदर्श मानकर कार्य करो। यही आदेश है, यही उपदेश है, यही धर्म ग्रंथों का रहस्य है, यही अनुशासन है, इसका इसी रीति से पालन करो। वर्ष 2020 के विभिन्न स्नातकों को परीक्षाओं को आयोजित संस्थाओं में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले मैं सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को स्वर्ण पदक से पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान करती हूँ। अभिनंदन पत्र का वाचन एवं प्रस्तुतिकरण करने की कृपा करें। दीक्षांत समारोह के माध्यम संजय राज जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना दीक्षांत देने की कृपा करें। आप हट जाना ना, क्यों
आशीर्वचन देने हैं माननीय कुलाधिपति जी से। माननीय कुलाधिपति जी से निवेदन है कि कृपा दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करने की कृपा करें। आप जानते हैं कि 39वां दीक्षांत समारोह 12 तारीख को आयोजित किया गया है। ये पहले ये विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है और बड़ी अच्छी तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा इस पर हम लोगों ने कर्टेल किया है इस बार। जैसा जानते हैं आप कि COVID-19 का प्रकोप फिर से बढ़ गया है, जिसके कारण बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस रोज आ रही हैं, तो ये अब हाइब्रिड मोड में होगा। हाइब्रिड मोड में का मतलब ये है कि इसमें हमारे महामहिम कुलाधिपति ऑनलाइन जुड़ेंगी राजभवन से, और हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजय राय जी ऑनलाइन जुड़ेंगे अमेरिका से, और हम लोग यहाँ पे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे इनविटेशन हम लोग ने कम कर दिया है, हमारा एकेडमिक काउंसिल का साइज भी काफ़ी बड़ा है, 150 से 200 लोग हो जाते हैं, उसको भी हमने छोटा किया है। और जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, केवल 51 बच्चे हैं जो हैं, उन बच्चों को ही हमने बुलाया है। पहले उनके अभिभावक भी आते थे साथ, लेकिन COVID-19 का पालन करते हुए वो भी नहीं आए। तो लगभग 200 लोग, जिसमें करीब 10 हमारे गेस्ट जो VIP हैं लोकल, 15 पत्रकार भाई बंधु, उसके बाद लगभग 70 से 75 जो एकेडमिक काउंसिल में रखा गया है उनको आधा कर दिया गया है, और 51 लोग आपके जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो ये 185 प्लस 15-20 जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, हमारे कन्वीनर या डिप्टी कन्वीनर, उसमें भी सबको नहीं बुलाया गया है। तो ये 200 लोग हो जाते हैं, जो 200 नीचे वाला हाल एक छोड़ के सीट, एक ब्लैक को छोड़ा जाएगा, ऑरेंज पे बिठाया जाएगा, और तो इसमें लगभग 200 लोग आएंगे, तो ये छोटा किया गया है। जैसा जानते हैं कि इस कार्यक्रम, इस दीक्षांत समारोह में हम लोग 155 PhD की डिग्री दे रहे हैं, और उसमें PhD की डिग्री में लगभग 61 छात्राओं को दे रहे हैं और 94 छात्रों को दे रहे हैं, तो 39% छात्राएं हैं, 61% छात्र हैं। इसके साथ साथ हम 51 गोल्ड मेडल दे रहे हैं, उसमें छात्राओं की संख्या ज़्यादा है, छात्राएं 38 हैं, 75% है, और 13 छात्र हैं, 25% है। तो छात्राओं ने ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए। इसी प्रकार कुछ डोनर पदक है, 51 पदक रेगुलर यूनिवर्सिटी के पदक हैं, और 80 डोनर पदक हैं, तो कुल मिला के 131 पदक हैं, लेकिन हम 51 को यहाँ पर इन्वाइट कर रहे हैं, 81 को नहीं कर रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो जो ये 81 में है, 67 छात्राएं हैं और 13 छात्र हैं, 85% छात्राएं हैं और 15% छात्र हैं, तो लगभग 80% छात्राएं गोल्ड मेडल पाई। और कुल जो डिग्री हम पादियाँ को संख्या है 67,613, उसमें 45,361 छात्राएं हैं, 22,252 छात्र हैं, तो ये डिग्रियां हम लोग उसमें देंगे उस दिन। और ये अलग अलग मोड है, फिजिकल मोड में हम लोग केवल 51 गोल्ड मेडल थे।